अब आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर हमारे आराधना के योग्य है। उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो इस दुनिया में किसी ने आज तक किसी और के लिए नहीं किया है। तो हमारा जो असली आनंद की बात है आज का, परमेश्वर के पैदा होने को जो हम याद करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि कोई बड़े आदमी का जन्म हुआ इस महीने में या फिर कुछ बहुत ही कोई अच्छे आदमी का जन्म हुआ, परंतु इसलिए खुशी की बात है कि हम जो राजाओं के राजा हैं, उन्होंने धरती पे अपना ताकि वो हमें हमारे दर्द को समझे, ताकि वो हमें समझ सके, इसलिए वो इस दुनिया में आए। तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती कि हम परमेश्वर को आराधना करें। एंड दिस मंथ इज़ नॉट जस्ट celebrated as the birth of a good man or a great man, someone who was good or lived a good life, but it is because the King of Kings himself sent his son to be born in this world so that he could understand the pain of man, he could go through the pain of man, and he could understand and be one with us. So there is nothing else than to have someone like that, a friend like him, and he deserves all the glory, he deserves all the praise, and let's worship him today and adore him for what he has done, for the sacrifice that he has done for us.
So to begin with, I want to first share that I was really bad in my studies. और सबसे पहली बात जो पासवान बताना चाहेंगे कि वो पढ़ाई में कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे. In case the class teacher wanted to scold the class and he wanted a student to stand up and answer a question, he will pick up me because he has to tell the class that you know you are all so stupid. और कई बार ऐसा होता था कि जब टीचर या अध्यापिका को पूरी क्लास को डांटना होता था और उन्हें पता होता था कि किसी ऐसे शख्स को उठाया जाए जो गलत ही जवाब देगा, तो वो पासवान को उठाते थे ताकि बता सके कि तुम लोग सब बेवकूफ हो. एक्चुअली इफ यू लुक एट माय मार्कशीट्स, द लॉर्ड एक्चुअली मेड मी द कट ऑफ, यू नो, इट्स लाइक ऑल द पीपल अंडर मी हैड फेल्ड. आई वाज द लास्ट वन टू पास इन ऑल माय होटल मैनेजमेंट 3 इयर्स कोर्सेज एंड 3 इयर कोर्स इन आईएचएम पूसा. और जब पासवान ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा था कि तो वो इस तरीके से मतलब बिल्कुल मार्जिन पे पास हुए थे, उनसे नीचे के जितने भी लोग थे सब फेल हो चुके थे. और जिसे कट ऑफ शीट कहते हैं या कट ऑफ मार्क्स कहते हैं, उसके हिसाब से पासवान जो है वो पास हुए थे. आई फेल्ड इन द 12th स्टैंडर्ड इन मैथ्स. और 12वीं कक्षा में पासवान जो है वो गणित के सब्जेक्ट में फेल हो गए थे. एंड आफ्टर स्टडिंग फॉर 4 मंथ्स रियली रिगरसली वेरी हार्ड, आई कुड जस्ट गेट 44.
और 4 महीने जब क्या कहते हैं जो दोबारा एग्जामिनेशन देना था, 4 महीने के जब पढ़ाई करी बहुत ज्यादा मेहनत करके, तब मैथ्स में उनके 44 नंबर आए. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग टू फेल बट समहाउ यू नो दैट वाज ग्रेस. आई डोंट नो हु एग्जामिन्ड माय शीट्स. और जब पासवान ने दोबारा भी एग्जाम दिया था तो उन्हें ये लग रहा था कि वो दोबारा फेल हो जायेंगे, पर परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से शायद जिसने एग्जामिनेशन शीट होगी वो पास हो गए. आई हैड अ प्रॉब्लम विद कॉन्सेंट्रेशन. और पासवान को है जो अध्ययन करने में या ध्यान लगाने में दिक्कत होती थी. And that's why even today I struggle in my prayer time because of concentration. I start thinking something else. That's why you know I go to my broadcast list. You know the list on which I send the messages. I go through, scroll that so that I can identify the person, imagine that person, and then pray for that person because else it won't be possible for me. और ये जो ध्यान लगाने या अध्ययन करने की दिक्कत है वो पासवान को अभी भी है, और शायद जब वो किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनको दिक्कत होती है. इसलिए वो व्हाट्सएप में जो हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जिसपे सबको मैसेजेस आते हैं उसमें जाके एक एक शख्स के बारे में सोचते हैं और फिर उनके लिए प्रार्थना करते हैं. So when I started my working career, और जब पासवान ने जो है अपना करियर शुरू करा इन द ईयर 2000 सन 2000 में, अगेन द सेम थिंग हैपेंड. आई वाज वन ऑफ द बैड परफॉर्मर्स ऑफ द टीम. और फिर से वही बात दोहराई गई कि पासवान ने जब काम करना शुरू करा तब भी वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे अपने ऑफिस में. आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट कॉल व्हिच आई टुक. और पासवान ने जो पहली कॉल ली थी, वी वर टॉकिंग टू अमेरिकन्स, और उन्होंने अमेरिका में किसी को कॉल करी थी. एंड द फर्स्ट कॉल आई टुक, द पर्सन ऑन द अदर साइड सेड दे हैव कनेक्टेड मी टू अ फॉरेनर, एंड आई गॉट सो एक्साइटेड, वाओ ही इज कॉलिंग मी अ फॉरेनर. और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने अमेरिका में किसी को कॉल करा तो उन्होंने ऐसा कहा कि तुमने मुझे किसी विदेशी के साथ कनेक्ट कर दिया है कॉल पे. और पासवान कह लगे मैं बहुत खुश हुआ कि उसने मुझे विदेशी कहा. माय टीम लीडर टोल्ड मी इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट. पासवान को उनके टीम लीडर ने कहा ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक तरीके से बुरा कमेंट है जो आपको विदेशी कह रहा है. यू आर स्ट्रगलिंग विद योर वॉइस एंड एक्सेंट. और ये दिक्कत है आपके बोलने के तरीके और एक्सेंट में कि वो पहचान गया है कि आप अमेरिकन एक्सेंट में नहीं बोल रहे हैं. सो I knew that I had to have the grace of God in order to help me out from my situations. The way He had helped me in my education, I needed that grace because I knew that I was not good enough for this. और पासवान को ये बात पासवान जानते थे कि जिस रीति से पढ़ाई में उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत थी, इस समय काम करने जब उनका करियर था उसमें भी उनको परमेश्वर की बहुत ज्यादा इस अनुग्रह की जरूरत है. सो आई प्रेड टू द लॉर्ड दैट लॉर्ड गिव मी गुड प्रमोशंस इन दिस कंपनी. ऑल्दो आई वाज नॉट अ परफॉर्मिंग पर्सन बट आई वुड जस्ट प्रे दैट लॉर्ड गिव मी गुड प्रमोशंस. हालांकि पासवान को बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे अपने करियर अपने जॉब में, फिर भी वो इस विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि मुझे एक अच्छा प्रमोशन मिले मेरी जॉब में. बट नथिंग was happening. पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था. Then you know we started a church in Gurgaon in the evening, and we were ministering to all non-believers. So I was actually ministering. I was saved pretty early in my life. I was saved when I was 10 years old. So I knew about Jesus's saving grace, and I used to talk to other individuals in the office and encourage them about Jesus and understanding Jesus as their Lord and Savior. That was one thing I could do really well apart from my work. और उसी दौरान गुड़गांव में भी शाम को कलीसिया शुरू हुई, और उस कलीसिया में जितने भी थे वो लोग आते थे जो शायद परमेश्वर को इतना नहीं जानते थे. और पासवान जो है वो बहुत जल्दी परमेश्वर के द्वारा बचाए गए थे. जब वो 10 साल के थे तब से वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर को जानते थे. और एक एक काम पासवान बहुत अच्छा करते थे, परमेश्वर के बारे में लोगों को बता के परमेश्वर में उनको उत्साहित करना. सो द सीनियर पास्टर हु वाज रनिंग दैट चर्च, ही आइडेंटिफाइड मी, इमीडिएटली मेड मी द पास्टर ऑफ द चर्च इन 2003. और बहुत जल्द ऐसा हुआ कि जब पासवान जो है लोगों को एनकरेज करते थे तो जो सीनियर पासवान थे उन्होंने पासवान की रुचि को देखा परमेश्वर में, और बहुत जल्द उस चर्च का जो है पास्टर बना दिया. एंड दैट वाज द टाइम इन व्हिच द लॉर्ड स्पेशली टोल्ड मी दैट यू नो टॉक टू हिंदूज, डू नॉट टॉक टू यू नो क्रिश्चियंस इन द ऑफिस, यू नो दे ऑलरेडी नो, but you have to talk to Hindus. So I used to identify all Hindus and then talk to them for the saving grace of Jesus Christ. और उस समय कुछ ऐसा हुआ 2003 में कि परमेश्वर की तरफ से पासवान को अगुवाई हुई कि आप जो हैं ईसाइयों को नहीं बल्कि हिंदू लोगों से परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के बारे में बातें करें, क्योंकि ईसाइयों को पहले से परमेश्वर का ज्ञान है, वो जानते हैं यीशु मसीह कौन है.
तो उस समय पासवान ने ऐसा करा कि अपने ऑफिस में जो हिंदू लोग थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे उनसे परमेश्वर के बारे में बात करनी शुरू करी। दिस वॉज इन द ईयर 2000 to 2003। और ये सन 2000 से 2003 के बीच में हुआ। आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2000 एट अ सैलरी ऑफ 5500 रुपीज, विच वॉज वेरी गुड सैलरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और सन 2000 में पासवान ने 5500 की तनख्वाह पे काम करना शुरू करा था, जो उस समय एक बहुत अच्छी तनख्वाह मानी जाती। एंड ऑल माय कलीग्स मूव्ड अप टू समवेयर अराउंड 11000 और 12000, बट इन 2003 आई मूव्ड ऑन टू ओनली 8000। दैट वाज द बेयर मिनिमम अमाउंट इंक्रीज एवरी ईयर। और सन 2003 तक जो पासवान के सारे साथी थे या जितने भी फ्रेंड्स थे वो 11 या 12 हजार तक तनख्वाह पर पहुंच गए थे, पर पासवान जो है 8000 तक पहुंचे थे, जो मतलब सबसे मिनिमम इंक्रीमेंट जिसे मांगी थी। इवन दो आई वाज नॉट अ गुड परफॉर्मर बट आई वाज वेरी लॉयल पंक्चुअल एंड वेरी फेथफुल टू माय ऑर्गेनाइजेशन। और हालांकि शायद वो काम करने में अच्छे नहीं होंगे इतने, पर वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस है उसकी तरफ बहुत लॉयल थे और बहुत ईमानदारी से अपने काम को करते थे। सो आई विल नॉट डू एनी यू नो गोची इन द डेटा एंड यू नो इन द कॉल्स एंड ऑल, आई विल डू इट वेरी सीरियसली। और इस रीति से वो काम करते थे कि उसमें वो कोई मतलब गलत काम या गोची नहीं मारते थे। गोची सबको पता है, वो अपने काम में कोई गोची नहीं मारते थे और बहुत ईमानदारी से अपने डेटा या अपने कॉल्स करते थे। सो दिस चर्च दैट आई वाज पार्ट ऑफ एंड आई वाज द पास्टर, दैट चर्च यूज्ड टू हैपन संडे इवनिंग, स्टिल हैपेंस, यू नो लाइक पीपल हैव चेंज्ड बिकॉज़ यू नो गुड़गांव इज अ मूविंग प्लेस। So Sunday evening 6 o'clock was the service. और उस समय भी जो गुड़गांव चर्च के पासवान थे वो आज भी हैं और शाम को 6 बजे वहाँ कलीसिया लगती है। So you know the process that I was working by the way for Genpact, which was that time called GE Capital, one of the pioneers of BPO business that time. So I was working for Genpact and I was in collections process. So in collections process, you call people to collect money. Sunday is a prime day for collections because people are at home, they pick up calls, they have time to take care of their bills, go to the store and pay for their bills. They had store cards, we were calling for JCPenney, Walmart, Montgomery Wards, you know, all these Walmart and all these stores that you know. और पासवान उस समय जेनपैक में काम करते थे जो उस समय जेई कैपिटल कहलाती थी। बीपीओ में आज भी उनका बहुत अच्छा नाम है और उस समय भी बहुत अच्छी कंपनी होती थी। और पासवान जो है वो कलेक्शन टीम में काम करते थे जिसमें उनको पैसे कलेक्ट करने होते हैं और रविवार एक ऐसा दिन होता था जो कलेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता था क्योंकि यूजुअली रविवार के दिन लोग फोन उठा लेते हैं, अपने बिल्स भरने चले जाते हैं या घरों के बाहर निकल लेते हैं क्योंकि ऑफिस से फ्री होते हैं। एंड सडनली नाउ आई एम द पास्टर, आई कांट क्विट द चर्च, आई हैव टू गो टू द ऑफिस। और ऐसा हुआ कि रविवार के दिन जो है वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि रविवार के दिन उन्हें चर्च जाना होता था। द कॉम्प्लिकेशन कांट टेक ओवर द पास्टर इज मिसिंग बिकॉज ही इज गॉन टू वर्क। और जो जो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन की जो कलीसिया के लोग थे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि पासवान को जो है अपना चर्च छोड़ के नौकरी पे जाना है या काम पे जाना है। सो देन आई टोल्ड माय ऑर्गेनाइजेशन आई कांट वर्क ऑन संडेज। तो पासवान ने जो कहा वो अपने ऑफिस में बोला कि मैं रविवार के दिन काम नहीं कर सकता। माय ऑर्गेनाइजेशन टोल्ड मी दैट सॉरी नॉट पॉसिबल, दिस इज द बेस्ट डे फॉर कलेक्शंस। और जो उनके ऑफिस में जो हेड थे उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रविवार जो है सबसे अच्छा दिन है कलेक्शंस करने के लिए। आई टोल्ड माय बॉस आई हैव गॉट 50 लीव्स, लेट मी मार्क ऑल संडेज फॉर द एंटायर ईयर। और पासवान ने अपने बॉस को कहा कि मेरे पास 50 छुट्टियां हैं और साल के जितने रविवार हैं मेरी छुट्टियां माफ कर दो। एटलीस्ट फॉर 1 ईयर आई कैन अटेंड माई चर्च। और कम से कम 1 साल तक रविवार के लिए वो फ्री हो गए थे। सो आई डिड दैट और उन्होंने अपनी 50 की 50 छुट्टियां जो है वो रविवार पे लगवा दी। सो प्रेज गॉड आई वाज वर्किंग जस्ट 4 डेज अ वीक। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पासवान जो है हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन काम कर रहे थे। बट अबाउट टू बी किक्ड आउट ऑफ द कंपनी। पर ये डर भी था कि किसी भी समय उसको कंपनी से निकाल दिया जा सकता है। एंड जेटपैक वाज अ कंपनी व्हिच वाज वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज बट दे हैड सर्टेन मेजर्स लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू डू नॉट परफॉर्म फॉर 3 straight months यू आर अ नॉन परफॉर्मर देन यू आर गिविंग अ वार्निंग लेटर। Then if you continue that for the next 3 months, you are chucked out. So you still have a 6 months window to perform and learn, you know, and get back on track. और जेनपैक जिस तरीके से काम करती है वैसे तो एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छी है, पर ऐसा होता है कि 3 महीने तक अगर आप अपने ऑफिस का काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है ऑफिस की तरफ से चेतावनी या वार्निंग लेटर दिया जाता है
और 3 महीने आपको मॉनिटर करा जाता है, अगर उन 3 महीने में भी आप काम नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 6 महीने का टाइम होता है आपके पास कि आप अपना काम ढंग से करना सीख जाए। आई गॉट द फर्स्ट वार्निंग और बासबान को जो है अपनी पहली चेतावनी है, फर्स्ट वार्निंग लेटर मिल गया। ओके, देन आई स्पोक टू द लॉर्ड और फिर बासबान ने जो है खुदावन से बात करी एंड आई सेड टू द लॉर्ड, लॉर्ड आई डोंट वांट टू मिस चर्च। खुदावन से कहा कि खुदावन मैं अपने चर्च को अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ना चाहता। And I also told the Lord that Lord, even if I work on the fifth day, I don't think anything's going to change. खुदावन ने ये भी कहा खुदावन से कि अगर मैं 5वें दिन भी काम करता हूँ तो मुझे नहीं लगता उसमें भी कोई सुधार या बदल होगी। But I was getting lot of you know encouragement inside the church. I was seeing that I was praying for people and they were getting promotions and I was praying for the sick people and you know they were getting healed and I actually told the Lord that Lord something needs to happen here also. और ऐसा हो रहा था कि पासवान जब कलीसिया में लोगों के लिए दुआ कर रहे थे, चाहे वो किसी की जॉब के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो या बीमारी के लिए हो, वो काम कलीसिया में हो रहा था और पासवान ने खुदावन से कहा कि ये काम मेरे जीवन में भी होना जरूरी है। So we used to give 10%, you know, every believer knows we have to give 10% to the Lord. But you know, I was a young pastor and I was giving 30% not because of zeal but because of pride, so that I can tell people 30% they don't. और ऐसा होता है कि हम सब विश्वासी लोग जानते हैं कि हम अपनी तनख्वाह का जो दसवांश होता है वो परमेश्वर के भवन में देना होता है, वो परमेश्वर का हिस्सा होता है। पर उस समय पासवान जो है दसवांश नहीं बल्कि अपनी सैलरी का 30% जो है वो कलीसिया में देते थे। And that was not because you know of zeal, but it was pride, spiritual pride. And you know, I knew that you know I have to plant more churches, and church need more funds. So I was that part was also there. But majorly, I would say it was you know little pride because I thought that oh God's money would be less if I don't give more. और वो जो 30% चर्च पे देते थे वो एक गर्व महसूस करके देते थे कि हाँ मैं परमेश्वर के भवन में जो है 30% दे रहा हूँ तो परमेश्वर की कलीसिया के लिए यूज होगा, परमेश्वर के कामों के लिए यूज होगा। So I used to give 2400, I know the amount, I used to give 2400 to the church on a salary of 8000 rupees. और 8000 की तनख्वाह में 2400 रुपए बागवान जो है वो परमेश्वर के भवन में देते थे। Now the fifth month passed by. और पांचवा महीना निकल गया। This is my last month to be chucked out. और ये वो छठा आखिरी महीना है कि इसके बाद शायद पासवान को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। Almost every month start, I would be sitting in a room with my team leader, with my AVP. They would be showing all the details and threatening me, you know, and using all kinds of emotional blackmail, telling me that, you know, you are 3 years old. All the colleagues who joined with you have moved on. They have become team leaders. You are not going to get anywhere with this. You know, what do you want to do in your life? Why do you want to take a Sunday off? All kind of jazz, you know, which I now do with. But I learned all that from them. और इस रीति से होता था कि हर महीने की शुरुआत में पासवान के जो डीएल थे और पासवान का जो एवीपी होते थे कंपनी के, वो उनके साथ कमरे में बैठते थे, उन्हें समझाते थे सारा डेटा लेके उनके काम का कि तुमने ये करा है, तुम सुधार नहीं है और फिर तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा करके संडे की छुट्टी लेके तुम कहीं अपने करियर में नहीं पहुंच पाओगे और ऐसा करके तुम कहीं एक्सेल नहीं कर पाओगे। और ये बातें शायद आज भी पासवान अब अपने जूनियर्स को बताते हैं। नाउ 2004 जनवरी और अब सन 2004 जनवरी माय लास्ट मंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, आई ऑलरेडी गॉट अ वार्निंग लेटर। इफ यू डोंट सी इंप्रूवमेंट एंड दे हैव गिवन मी अ वेरी स्टीप टारगेट, इफ यू डोंट सी इंप्रूवमेंट, वी डोंट सी योर संडे वर्किंग, जनवरी यू आर आउट। और जनवरी में ऐसा हुआ कि पासवान को चेतावनी दे दी गई थी, उनका टारगेट जो था वो भी बढ़ा दिया गया था और कह दिया गया था कि अगर तुम संडे को काम नहीं करते और अगर तुम्हारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते, काम अच्छी तरीके से नहीं करते तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। सो आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। तो ऐसा हुआ कि पासवान ने दूसरी जगह इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। आई न्यू दैट दिस इज नॉट गोना हैपन। और पासवान ये जानते थे कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आई थॉट दैट लॉर्ड्स गोना मिरेकुलसली डू समथिंग एंड you know people are just going to I call up, hello Mr. Smith, you want to pay? And, yeah, I'm ready to pay, you know. That doesn't happen in the collection world. So I thought of all this, you know, nothing happened in that time. पर जिस कलेक्शन प्रोसेस में काम करते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता। सो आई अप्लाई फॉर अ कंपनी कॉल्ड रिसीवेबल मैनेजमेंट सर्विसेज। रिसीवेबल मैनेजमेंट सर्विस। पासवान ने कंपनी में अप्लाई करा, उस कंपनी का नाम था रिसीवेबल प्राइवेट लिमिटेड। दे वर आल्सो इनटू डेट कलेक्शन। गुड़गांव वाज़ अ हब ऑफ कलेक्शन सेंटर्स। और वो भी जो है वो पैसे कलेक्ट करने की बिजनेस में था, जो उधारी होती है उसको कलेक्ट करने की बिजनेस में था। सो आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू और पासवान जो है वो इंटरव्यू के लिए गए एंड बिकॉज आई हैड 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई अपीयर्ड एज अ टीम लीडर।
और क्योंकि मेजबान के पास ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस था कॉलिंग में, तो वो जब इस नई कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए तो हमारे कोई टीम लीडर की पोजीशन के लिए गए। आई क्लियर द फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। आप मेजबान ने पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड तीनों राउंड पास कर लिए। फोर्थ राउंड आई वाज सिटिंग विद द एचआरवीपी। और फिफ्थ जो फोर्थ राउंड था उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके साथ मेजबान का इंटरव्यू था। एंड ही आस्क्ड मी, और उन्होंने इनसे सवाल किया, व्हाई डू यू वांट टू लीव जी कैपिटल, कि तुम जीई कैपिटल क्यों छोड़ना चाहते हो? आई टोल्ड देम दैट आई एम नॉट वांटिंग टू लीव जी कैपिटल, दे आर चेकिंग मी आउट। मेजबान ने बोला एचआरवीपी को कि मैं जीई कैपिटल नहीं छोड़ना चाहता, जीई कैपिटल वाले मुझे निकाल रहे हैं। ओके, सो दे ही आस्क्ड मी दैट व्हाई कांट यू परफॉर्म, तो जो वीपी है उन्होंने पूछा कि क्यों तुम क्यों काम नहीं कर पा रहे हो। आई डिडंट टेल देम अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड यू नो relationship issues, you know, all that jazz that normally people tell them. I told them, I told them clearly, I am a pastor, I work, you know, I have to go to a church Sunday evening, they have collections on Sunday evening, you know, I can't work Sunday evening. और बाजबान ने जो है बिल्कुल सच जो है उस बीबी को बता दिया कि ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ काम करने में दिक्कत है, मेरी लोगों से नहीं बनती है, लोगों की मेरे से नहीं बनती, बिल्कुल सच बताया कि मैं संडे के दिन काम नहीं कर सकता, मैं एक बाजबान हूँ और संडे के लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपनी गति से में रहूँ और संडे वाले दिन मैं छुट्टी चाहता हूँ। So the HRVP told me, oh that's good because we have commercial collections, we are off on Saturday and Sunday. और बाजबान को जो बीबी ने कहा चलो ये तो अच्छी बात है क्योंकि हम जो है हम कमर्शियल कलेक्शन में है और शनिवार और रविवार को हमारे यहाँ छुट्टी होती है। ओके, नाउ आई कुड सेंस दैट लॉर्ड इज डूइंग समथिंग, और उस समय पासवान को महसूस हुआ कि परमेश्वर उनके लिए कुछ कर रहा है। इवन दो आई वाज बैड इन परफॉर्मेंस आई वाज गुड इन गिविंग इंटरव्यूज, और हालांकि वो काम करने में शायद अच्छे नहीं थे पर पासवान इंटरव्यू देने में बहुत अच्छे थे। ओके, नाउ केम द सैलरी पार्ट, और अब आई सैलरी की बात। ही आस्क्ड मी, सो हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग, पासवान से पूछा गया कि भाई तुम कितनी तनख्वाह जो है वो चाहते हो या एक्सपेक्ट करते हो। इमीडिएटली आई थॉट ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स हु जॉइंड जीई विद मी एंड गॉट प्रमोटेड एंड आर नाउ अर्निंग 12,000-13,000, आई टोल्ड हिम 12,000 or 13,000। और पासवान ने सोचा कि उनके साथ की जितने भी साथी थे या सहकर्मी थे वो सब आज 12,000-13,000 तक पहुंच गए हैं, तो पासवान ने भी बोल दिया कि मैं कम से कम 12,000 एक्सपेक्ट करता हूँ। ही टोल्ड मी सॉरी समर्पण वी डोंट हैव दैट पे स्केल, और पासवान को कहा गया कि सॉरी हम 12,000 रुपए तो नहीं दे सकते। आई टोल्ड हिम व्हाटएवर यू कैन गिव मी आई एम रेडी टू ज्वाइन, उन्होंने कहा कि तुम जितनी तनख्वाह दोगे मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। ही सेड दैट वी कांट गिव यू लेस देन 24, और पासवान जो वीपी है उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 24,000 से कम नहीं देंगे। Okay, then surprise lot of people. The VP said, we are not going to give you less than 24. आपने ध्यान से सुना नहीं, पासवान 12,000 रुपए मांग रहे थे पर जो वीपी है उसने कहा हम 24,000 से कम पैसे रुपए नहीं देंगे। As soon as I heard this, पासवान ने ये बात सुनी, I thought he is joking. पासवान को लगा कि शायद वो उनसे मजाक कर रहा है। I told him, would you give this to me in writing? समर्पण, वी डोंट हैव दैट ब्रैकेट फॉर टीम लीडर्स, टीम लीडर्स ज्वाइन एट 24,000, दैट्स द बेस्ट वी कैन गिव यू। और पासवान को जो है वीपी ने कहा कि जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करा है उसमें मिनिमम सैलरी 24,000 रुपए है और 24,000 से कम हम तनख्वाह को नहीं देंगे, 24,000 तनख्वाह में ही रखे जाओगे। कैन यू इमेजिन 300% इंक्रीज फॉर अ पर्सन हु इज नॉट एक्सपेक्टिंग जीरो, यू नो लाइक 5%। और आप सोच सकते हैं उस समय पासवान को 300% का जो है वो इंक्रीमेंट मिला था, और उस समय जब पासवान बैड परफॉर्मर थे 10% का इंक्रीमेंट भी मुमकिन नहीं था, और उस समय खुदावन ने उन्हें 300% का इंक्रीमेंट हाइक के साथ जॉब दिया। आई केम आउट विद अ लेटर, और पासवान जो है अपना लिखित का लेटर लेकर आए, आई हैव जस्ट बीन बॉम्बार्डेड विद द ग्रेस ऑफ जीसस, और इसी समय परमेश्वर के अनुग्रह से जो है वो भर दिए गए थे। आई फिगर्ड आउट समथिंग, और उस समय उन्होंने एक बात उनको समझ आई, आई यूज्ड टू गिव 30% टाइम्स, और पासवान को एक बात समझ आई कि वो परमेश्वर के भवन में जो है 30% देते थे, एंड आई यूज्ड टू गिव 2400, और 2400 रुपए जो है वो अपनी गतिशा में देते थे। ही मेड माय सैलरी 24,000, सो दैट 2400 इज द टाइम, और उन्होंने के तनख्वाह को 24,000 कर दिया ताकि उनके जो दशमांश है वो 2400 रुपए रहे। आई फिगर्ड आउट दैट मैथ्स लेटर, और ये जो गणित है ये पासवान को बाद में समझ आया। नाउ When I figured out that maths, और जब ये गणित पासवान को समझ आया, I understood if I give more next job would be. अब अगर इस तरह से मैं और ज्यादा पैसे दूंगा तो मेरी जो नेक्स्ट जॉब होगी वो और ज्यादा अच्छी होगी। Then I
figured out that this maths is not going to work this time. And I want to tell you, you all need to have your own equation with the Lord. और ये आपको बहुत समझना जरूरी है कि आपका अपना खुद का जो संबंध है खुदावन के साथ वो कैसा है. So I stayed in that company for 6 years. और जो Receivable Private Limited है उस कंपनी के साथ कालबाद ने 6 साल काम करा. And after 6 years that company decided to move to Noida. और उसके बाद कंपनी ने जो है वो नोएडा में हो गई थी. By that time my salary got increased to 44,000. और 6 साल में बागबान की तनख्वाह 24,000 से 44,000 हो गई थी. ओके, सो नाउ द कंपनी वाज मूविंग टू नोएडा. और अब जब कंपनी नोएडा मूव हो रही थी, नाउ अनदर डील विद द लॉर्ड. और परमेश्वर के साथ फिर एक डील हुई. लॉर्ड, आई डोंट वांट टू ट्रैवल टू नोएडा. खुदा, मुझे नोएडा नहीं जाना है. नोएडा इज 2 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस. और पासवान ने परमेश्वर से कहा कि 2 घंटे जाना 2 घंटे आना 4 घंटे वेस्ट हो गए. और पासवान ने परमेश्वर से कहा कि 2 घंटे जाना 2 घंटे आना 4 घंटे वेस्ट हो गए हैं, अपने घर अपने दिन का दशमांश आपके साथ बांटना चाहता हूँ. हालांकि वो नहीं बांट रहे थे कि मैं अपने दिन का दशमांश आपको देना चाहता हूँ, 4 घंटे जो है मैं आने जाने में वेस्ट नहीं करना चाहता. So that time, you know, I came to know that whatever you pray, you're praying with it, talk to him, write it down. So I wrote in my copy, Lord, I want the next breakthrough 65,000. That's in 2012. 2012 में ये बात समझी कि जो प्रार्थना में मांगते थे उसे एक कॉपी में लिख लेते थे. और उन्होंने कॉपी में लिखा कि खुदावन जो नेक्स्ट नौकरी है, नेक्स्ट जॉब मुझे मिलेगी वो 65,000 की होनी चाहिए. So I wrote that down, 65,000. और उन्होंने ये बात लिख ली अपनी किताब में 65,000 रुपए. And then a company from Switzerland got in touch with me. और फिर एक स्विट्जरलैंड की कंपनी जो है वो पासवान ने मुझसे बात करी. And they gave me my salary in euros. और उनको पासवान को जो समय तनख्वाह मिली थी स्विट्जरलैंड की कंपनी से वो यूरो में मिली थी. And the conversion amount used to come to 65,000. और जो कन्वर्ट होकर जो पासवान को तनख्वाह मिलती थी वो 65,000 रुपए मिलती थी. What are we learning today? और हम ये क्या सीख रहे हैं? I want you to be expressive with the Lord. आप चाहते हैं? Yeah, बहुत जरूरी है कि आप अपनी बातों को या अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को बहुत अच्छे से बताएं. The same things might not happen, you know, it's like you will have your own story. You might have a greater story. और ऐसा नहीं है कि जो पासवान के साथ हुआ बिल्कुल वैसा आपके साथ हो. आपका जो परमेश्वर के साथ संबंध है, जो आपका इक्वेशन खुदावन के साथ है, उसके हिसाब से हो सकता है आपके साथ सिमिलर कुछ हो या इससे भी बढ़कर कुछ हो. And today, you know, when I look back, और आज जब खुदावन अपने पास में देखते हैं, पासवान अपने पास में देखते हैं, then I can guarantee say that, you know, finances is not my concern because he takes care of that. और जो आर्थिक क्षेत्र है जो पासवान का, उसके बारे में वो कभी परेशान नहीं होते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं खुदावन उसके बारे में सोचता है, उसका ध्यान रखता है. Okay, it's already 12:20, so I won't share more testimonies. और अब ऑलरेडी 12:20 हो गया है, हम और के माइकों को नहीं बांटेंगे. But you know, I wanted to share regarding relationship and also a testimony regarding health. But maybe some other time. But with this, I just want to encourage you that what are the small things you do, the Lord watches it. You know, like He watched that, you know, that 30% that I was giving. He watched it. You know, even though I want to be frank. You know, my intention was not really honest. You know, most of the time that intention was. Because I was a young pastor and, you know, and a lot of people used to praise me when they used to hear 30% and I wanted that praise, you know. These things were there. And the other thing, that there was a little bit of dedication that I want to give God to more. But He watches it, you know. Every time you do certain small things, He watches it. और आपको इस बात से उत्साहित करना चाहेंगे कि परमेश्वर हर एक छोटी बात जो आप करते हैं उसका ध्यान रखता है, उसको देखता है. हो सकता है कि परमेश्वर पासवान जो है शायद पूरे मन से वो 30% ना देते हो या सच्चे मन से ना देते हो, पर जब वो इस बात अपने सैलरी से 30% देते थे तो खुदावन उस बात को देखता था, समझता था और उसी हिसाब से खुदावन ने उन्हें प्रतिफल भी दिया. ओके, एंड अनदर थिंग आई लर्न फ्रॉम ऑल दिस
is never underestimate your God. He is capable of more, you know. You might be looking in certain areas that, you know, I will do this and something will happen from that only. You know, God can just bombard you in n number of ways. The way He bombarded me by giving me a salary, I was not even thinking of. और आप किसी भी रीति से अपने परमेश्वर को कम ना आंकें, क्योंकि आप सोच नहीं सकते हैं कि वो कितने बड़े काम आपके जीवन में करेगा। हो सकता है कि आप सोच रहे हो वो आपके लिए इतना कर दे, पर परमेश्वर वो सामर्थ्य वो सक्षमता रखता है कि वो आपके लिए इतना करे। And you know, I had not learned all my lessons that time. You know, that's why I asked for 65,000. I should have asked for more, you know, when I was writing this down. It's almost like, you know, the Lord actually teaches you in different phases and with all the experiences you keep on growing. और ऐसा नहीं है कि एक ही बार परमेश्वर के पीछे चलने से बाजबान सब सीख गए। अगर बाजबान ये बात समझते तो जब उन्होंने 65,000 लिखा था किताब में, हो सकता है 65 से ज्यादा लिखते, खुदा उन्होंने वो भी पूरी करके देता। पर ये जो चीजें आप खुदा में रहकर सीखते हैं, एक एक करके सीखते हैं। Okay, are we ready to praise and worship Him? Okay. Let's do that song again, the English one, Lord You Are Good. How many enjoyed that one? So, can we all stand? And we will have a time of giving unto the Lord. और हम इस ये समय वो है कि हम अगर प्रभु के भवन में कुछ देना चाहते हैं तो आगे कुछ वाइट मशीन रखी है, ऑफरिंग बैग रखा है, हम इस गाने के दौरान ये कर सकते हैं। And let me just pray over your finances or your future investments. As we declare about our finances today, और जिस तरह से हम घोषणा करते हैं अपने धन के विषय में, I believe for jobs and better jobs. मैं विश्वास करता हूँ नौकरियाँ और अच्छी नौकरियाँ. I believe for raises and bonuses. मैं विश्वास करता हूँ बढ़ोतरी और बख्शीश के लिए. More sales and commissions and more benefits in my area of work. ज्यादा बिक्री और ज्यादा आयत के लिए जिस क्षेत्र में मैं कार्य करता हूँ. I believe for favorable settlements. मैं विश्वास करता हूँ मेरे हित में समझौते के लिए। I believe for estates and inheritances. मैं विश्वास करता हूँ भूमि और मिरास के लिए। I believe for rebates and returns. मैं विश्वास करता हूँ ब्याज और आय के लिए। I believe for NEFT, RTGS and UPI transfers to my bank accounts. मैं विश्वास करता हूँ NEFT, RTGS स्थानांतरण का मेरे खाते में। I believe for gifts and surprise gifts from people. मैं लोगों से उपहार के लिए और आश्चर्य के लिए विश्वास करता हूँ। I even declare that I will find money in the places where I've lost money. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं पैसे पाऊंगा जहाँ पर मैंने अपने धन को खो दिया है। I declare that my debts will be over in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु के नाम में मेरे ऋण माफ हो जाएंगे। I declare for my expenses to decrease. मैं एक बार फिर से घोषणा करता हूँ कि जो मेरे खर्चे हैं वो कम हो जाएं। I believe for blessings and increase. मैं विश्वास करता हूँ आशीष और वृद्धि के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल माई फाइनेंशियल नीड्स। धन्यवाद हो परमेश्वर कि आप मेरी सारी धन की जरूरतों के लिए प्रदान करते हैं। आई थैंक यू लॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग मी सो दैट आई कैन बी अ ब्लेसिंग एंड सो इनटू योर किंगडम। और धन्यवाद हो परमेश्वर कि आप मुझे प्रदान कर रहे हैं ताकि मैं आपके राज्य में बो सकूं। That I can use my finances as a blessing in the kingdom of Jesus Christ and for the gospel of Jesus Christ. ताकि मैं अपने धन का इस्तेमाल कर सकूं यीशु के राज्य के लिए और यीशु के सुसमाचार के लिए। I declare this in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूँ ये यीशु के नाम में। Amen. Amen.